इलेक्शन कब हो, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुजाकरात का पहला दौर खत्म, दूसरा राउंड कल से पहर 3 बजे होगा। पीटीआई मुजाकराती टीम के सरबराह रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अपने मुतालबात कल के मुजाकरात में रखेंगे, आइन में रहते हुए हल तजवीज करेंगे। यूसुफ रजा गैलानी बोले पीटीआई के मुतालबात पर इत्तेहादी जमातों से मशवरा करेंगे। इसहाक डार बोले आइन में रहते हुए तमाम मामलात का हल तलाश करेंगे। फजलुर रहमान का मुजाकराती अमल का हिस्सा बनने से इनकार। हुकूमत और पीटीआई को 2 कदम पीछे हटना होगा, सिराज उल हक ने मुजाकरात की कामयाबी का फार्मूला बता दिया। वजीर आजम को पार्लियामेंट के बाद आवाम से भी एतमाद का वोट लेने का मशवरा दिया। सिराज उल हक ने कहा सियासी जमातों ने आइन को तख्ता मश्क बना रखा है, हर कोई अपनी तशरीह कर रहा है। शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया। 180 अरकान का एतमाद का इजहार, वजीर आजम का तमाम अरकान का शुक्रिया। ऐवान से खिताब में कहा मुझे घर भेजते हैं तो जाने को तैयार हूं, ऐवान का मान नहीं तोड़ूंगा। पीटीआई से मुजाकरात, मुल्क में एक ही रोज इलेक्शन पर होंगे, अदलिया पर वार करना ना भूले। कहा अदलिया को आइन री राइट का कोई इख्तियार नहीं, कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। ये नहीं हो सकता हम कानून बनाए और अदलिया स्टे दे दे, पार्लियामेंट ने जो करारदाद पास की उसके साथ खड़ा हूं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर भी लफ्जी वार। एतमाद का वोट लेने की कोई आईनी हैसियत नहीं है, वजीर आजम का ख्याल है वोट से उनका कद बढ़ जाएगा। फवाद चौधरी की बोल न्यूज से गुफ्तगू, कहा असल वोट तब होगा जब सदर मुमलिकत कहेंगे शहबाज शरीफ खाना खिलाकर समझ रहे हैं तगड़े हो गए हैं। शेख रशीद बोले जितने मर्जी वोट ले लें नतीजा उनके खिलाफ और खौफनाक होगा। एतमाद का वोट ड्रामा और साजिश है, 1 मई के बाद फैसले आएंगे। पंजाब में इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार, अदालत उज़्मा में अहम केस की समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, मुजाकराती अमल बेनतीजा नहीं होना चाहिए, ऐसा हुआ तो आइन और अदालती फैसला बरकरार है। सियासतदानों को अपने मसाइल का हल खुद निकालना मशवरा, कहा बातचीत के लिए मजबूर नहीं कर सकते, कोई हिदायत या टाइम लाइन नहीं दे रहे, मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। लगता है हुकूमत सिर्फ पास पास खेल रही है। केस की समाअत मुलतवी। कौमी असम्बली में 21 अरब के फंड जारी करने के हुक्म के खिलाफ हुकूमती इतिहाद ने तहरीक मंजूर करवा ली। तहरीक वजीर कानून आजम नजीर तारर ने पेश की। वजीर कानून का तहरीक में कहना था कि 21 अप्रैल तक फंड जारी करने या ना करने की मंजूरी दी जाए। स्पीकर ने ऐवान में जबानी वोटिंग कराई। ऐवान में हुकूमती इतिहाद के अरकान ने कसरत राय से इलेक्शन के लिए फंड देने से इनकार कर दिया। बोल का अदलिया के साथ इजहार यकजहती, मुल्क में इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए बोल की खसूसी नशरियात। सियासी आइनी और कानूनी माहरीन ने पंजाब इलेक्शन के हवाले से सर हासिल तजिए दिए। सिराज उल हक ने कहा मुल्क बचाने के लिए आपस में बैठने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, सियासी मसाइल अदालत के बजाय सियासतदान हल करें। शुएब शाहीन बोले सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया मुजाकरात का हुक्म नहीं तजवीज दी, आइन मौतल करना कयामत की निशानी है। सत्रहवें रोज भी बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ पता ना चल सका। आलमी मीडिया ने कई सवाल उठा दिए। टाइम्स नाउ ने कहा हुकूमत पाकिस्तान आकाश के अगवा पर खामोश है। हिंदू पोस्ट ने आकाश पर टूटे कहर की दास्तान लिख दी। आज तक ने भी दुखियारी माँ की पुकार का हवाला दिया। इंडिया टुडे ने सुर्खी लगाई बोल न्यूज के हेड ऑफिस के बाहर मशकूक गाड़ी चक्कर लगाती रही, इसी गाड़ी ने आकाश को अगवा किया। न्यूज 18 ने लिखा आकाश की माँ बेटे की बाजियाबी के लिए दुहाइयां दे रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आलमी सहाफती तंजीमें सरापा एहतजाज। और अदम इस्तेहकाम, मुआशी कमजोरियां, सिक्योरिटी पाकिस्तान में बड़े मसाइल करार। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने कंट्री रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक डिफॉल्ट से बचने के लिए IMF प्रोग्राम लेना पड़ेगा। मौजूदा हुकूमत की मुद्दत पूरी करने और आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में होने की पेशगोई करती। कहा शरह सूद मजीद 2% बढ़कर 23% तक जाने का इम्कान है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा किए और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। गोल न्यूज़ के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो कुआन पाकिस्तानी, मुखे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदिया से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समात की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ, क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।